हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए अभी हम इस पजल गेम की कोडिंग को आगे प्रोसीड करते हैं। तो अभी तक मैं इसके 3 पार्ट को पब्लिश कर चुका हूं, अपलोड कर चुका हूं, तो मेक श्योर कि आपने वो तीनों पार्ट ज़रूर देखे हों, तभी इस वीडियो को देखने का कुछ सेंस बनता है, नहीं तो ये वीडियो आपके कोई काम का नहीं है, राइट। तो आई होप कि आपने वो सारे पार्ट, तीनों पार्ट ज़रूर देखे होंगे और ये 4th पार्ट आप देख रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक देखिए, हमने इस पजल गेम के अपने कोडिंग में हमने इन बटन को सेट कर लिया था, सारी बटन को सेट कर लिया था। अब हमारा टास्क देखिए क्या है आज का, कि इन बटन के साथ में हम एक्शन लिसनर लगाएंगे। देखिए यहाँ पर इस पजल गेम में 1 से लेकर 9 तक की नंबर होती हैं और हमें उन नंबर को 1, 2, 3, 4 इस तरह से 7, 8, 9 इस तरह से कुछ अरेंज करना पड़ता है। यहाँ पर हमने एक बटन को ब्लैंक छोड़ा है जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट 9 लिखा हुआ माना जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें क्या है, 9 है। तो इस गेम को प्ले करने का रूल क्या होता है कि जो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, जिस बटन पर कुछ भी नहीं लिखा है, उस बटन को हम मूव करते हैं। लेकिन मूव करने में कुछ देखिए रूल्स होते हैं कि हम इनको डायगोनली मूव नहीं कर सकते हैं, या तो सिर्फ हम हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल मूव करेंगे। जैसे इस केस में हम बात करें तो ये पर्टिकुलर जो बटन है जहाँ पर हमारा माउस है, अगर मैं 5 को प्रेस करूँ तो 5 यहाँ पर आ जाना चाहिए था और ये ब्लैंक यहाँ पर चला जाना चाहिए था, है ना। या मान लीजिए यहाँ पर अगर हमारा ब्लैंक है तो मैं 7 को अगर क्लिक करूँ तो 7 यहाँ पर आ जाना चाहिए था और ब्लैंक यहाँ पर चला जाना चाहिए। तो या 8 को मैं प्रेस करूँ तो 8 यहाँ पर आ जाना चाहिए और ब्लैंक यहाँ पर चला जाना चाहिए। तो देखिए मैं इन बटन को क्लिक कर रहा हूँ तो कोई रिस्पांस नहीं हो रहा है। तो जब भी हम बटन पर या जो भी कंपोनेंट यहाँ पर हम ऐड करते हैं अपने फ्रेम के ऊपर, उसमें हम जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, जैसे हो गया क्लिक करना, या मान लीजिए अगर मैं नोट पैड की कोडिंग करता तो वहाँ पर मैं किसी चीज़ को सेव करता या स्क्रॉल बार को आगे पीछे करता, या देखिए जैसे मैं इस यहाँ पर इसको मिनिमाइज़ कर दूँ या मैक्सिमाइज़ कर दूँ या कट कर दूँ, तो ये सब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ। तो एक्शन परफॉर्म होने से क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ इवेंट जनरेट हो रही है। तो अब मुझे उसी इवेंट को हैंडल करना है। जैसे मैं अगर 5 को अगर मैं क्लिक करूँ तो 5 यहाँ पर आ जाना चाहिए और ये ब्लैंक वाला पार्ट यहाँ पर चला जाना चाहिए। तो इसे ही हम बोलते हैं क्या, इवेंट हैंडलिंग। तो मुझे क्या करना है कि इवेंट हैंडल करना है। इवेंट हैंडल का मतलब क्या हुआ कि जब भी मैं किसी बटन को क्लिक करूँ तो उस बटन के क्लिक करने पर जो भी टास्क होना चाहिए उसकी कोडिंग करना इवेंट हैंडलिंग है, है ना, समझ में आ रहा है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से हम इवेंट को हैंडल करते हैं। तो पहले मैं बटन B1 के लिए बताता हूँ आपको, या किसी एक बटन के लिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, और उसके बाद क्या करूँगा मैं आपको, हर एक बटन का बहुत ही इजी हो जाएगा। तो अब ध्यान सुनना, हमें इन बटन के साथ में क्या लगाना है, एक्शन लिसनर। तो जैसे हमें B1 के साथ में लगाना है एक्शन लिसनर, तो जो बटन है, जो हमारी जे बटन क्लास है, उसमें एक एक्शन लिसनर, ऐड एक्शन लिसनर होता है फंक्शन, उसको हम कॉल करते हैं। और कॉल करते हैं जब, जैसे बटन के अंदर, जे बटन क्लास के अंदर है, तो हम बटन क्लास का जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा डॉट लगा के हम उस फंक्शन को क्या करेंगे, कॉल करेंगे। तो जिस भी बटन के लिए हमें एक्शन लिसनर ऐड करना है, मान लीजिए B1 के लिए, तो मैं लिखूंगा B1 डॉट ऐड ACTION एक्शन लिसनर, ऐड एक्शन लिसनर। हमें B1 के साथ में एक्शन लिसनर ऐड करना है तो मैं लिखूंगा B1 डॉट ऐड एक्शन लिसनर। B2 के साथ में ऐड करना होगा तो लिखूंगा B2 डॉट ऐड एक्शन लिसनर। अच्छा, अब जब भी मैं इस एक्शन ऐड एक्शन लिसनर फंक्शन को कॉल करता हूं तो हमें इसमें एक आर्गुमेंट पास करना पड़ता है, यहां पर एक आर्गुमेंट पास करना पड़ता है। अब वो आर्गुमेंट्स क्या होता है, सुनिए, वो आर्गुमेंट्स होता है, हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पर पास करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक क्लास का ऑब्जेक्ट पास करते हैं, लेकिन वो किस क्लास का ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जो क्लास एक्शन लिसनर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट्स करती है। समझ बात आई क्या, देखिए जावा में एक इंटरफेस है, उस इंटरफेस का क्या नाम है, जावा में एक इंटरफेस है, उसका नाम है एक्शन लिसनर, एक्शन लिसनर। ये एक इंटरफेस है, तो हमें उस क्लास का ऑब्जेक्ट पास करना है यहाँ पर,
जिस क्लास ने इस पर्टिकुलर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट्स किया हो। ध्यान सुनना, अगर आपने हमारा टिक टैक टो गेम की कोडिंग देखी है तो वहाँ पर हमने बहुत अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन किया है। हालांकि वहाँ पर तो हमने इवेंट हैंडलिंग थोड़ा दूसरे मेथड से किया था। देखिए मेथड सेम ही है, बस थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं चेंजेस है ना। ओवरऑल आपको यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट पास करना है, तो आप एक मेथड क्या हो सकता है कि आप एक अपनी क्लास में इनर क्लास बनाएं। वो क्लास क्या करेगी, वो क्लास इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट्स करेगी और उस क्लास का आप ऑब्जेक्ट बना के यहाँ पर क्या करें, पास कर दें। तो हमें उस क्लास का ऑब्जेक्ट पास करना है जो क्लास इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट्स करती है। तो अच्छा, अब एक बात बताइए कि जो हमारी क्लास है, क्यों ना हमारी क्लास ही इस इंटरफेस को अगर इम्प्लीमेंट्स कर ले तो। जैसे हमारी क्लास जे फ्रेम क्लास को एक्सटेंड कर रही है तो इंटरफेस को इम्प्लीमेंट्स करेगी, तो इम्प्लीमेंट्स कर ले। किसको इम्प्लीमेंट्स कर ले, एक्शन लिसनर इंटरफेस को, एक्शन लिसनर इंटरफेस को। देखिए हमारी क्लास ने इम्प्लीमेंट्स कर लिया, हमारी क्लास ने कर लिया इम्प्लीमेंट। तो अब मुझे यहाँ पर क्या पास करना पड़ेगा, हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट। कौन सी क्लास का, जो हमारी पजल नाम की क्लास है उसका ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पर पास करना है। अब ध्यान से सुनना, हमें ऑब्जेक्ट पास करना है अपनी क्लास का, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या किया, मेन क्लास में हमने अपने मेन फंक्शन में एक ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट बनाया तो क्या हुआ, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो आपको पता है कि जावा में हर एक फंक्शन में एक जो रेफरेंस होता है, दिस और सुपर कीवर्ड आपको पता होगा। तो दिस क्या करता है कि जिस ऑब्जेक्ट के लिए कोई भी फंक्शन कॉल होता है उसका वो रेफरेंस होल्ड करता है। तो जो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, कंस्ट्रक्टर भी तो एक फंक्शन है, तो कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या होगा, दिस नाम का एक क्या होगा, रेफरेंस वेरिएबल होगा। कीवर्ड है एक दिस, कीवर्ड है दिस एंड सुपर कीवर्ड है, आपको ये जावा में अच्छी तरह से पता होगा, है ना। तो हर एक फंक्शन के अंदर दिस नाम का एक रेफरेंस वेरिएबल होता है जो किसका रेफरेंस होल्ड करता है, कॉलर ऑब्जेक्ट का, जिसके लिए वो पर्टिकुलर फंक्शन कॉल होता है। तो ये जो कंस्ट्रक्टर है हमारा वो किसके लिए कॉल हुआ है, हमारे इस क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए। तो मतलब जो इस कंस्ट्रक्टर में इंटरनली दिस रेफरेंस वेरिएबल है उसमें रेफरेंस किसका है, हमारी इस क्लास के ऑब्जेक्ट का। क्यों, क्योंकि जो कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है वो इस ऑब्जेक्ट के बनने पर कॉल हो रहा है। तो अगर दिस में हमारी इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है तो हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दिस पास कर दें। तो क्या किया हमने, तो हमने अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट ही पास कर दिया है ना। देखिए हमारी क्लास ने एक्शन लिसनर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट्स किया है, तो इस ऐड एक्शन लिसनर के अंदर हमें अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट पास करना है। और क्योंकि जो हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट हमने बनाया है उसके लिए कंस्ट्रक्टर चल रहा है, और कंस्ट्रक्टर क्या है, एक फंक्शन है। तो हर एक फंक्शन में जावा में आपको पता होगा कि दिस नाम का रेफरेंस वेरिएबल होता है जो कॉलर ऑब्जेक्ट का, जिस ऑब्जेक्ट के लिए वो फंक्शन एग्जीक्यूट होता है उसका रेफरेंस होल्ड करता है, दिस में होता है। तो हमने यहाँ से दिस पास कर दिया। यहाँ पर दिस पास करना मतलब हमने अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर दिया। हालांकि देखिए हमारी क्लास ने क्या किया है, एक्शन लिसनर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट्स किया, तो हम अपनी क्लास का यहाँ पर इस तरह से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करके पास कर सकते हैं। ये देखिए हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करके पास कर दिया, ये भी सही है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखिए, हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट डायनेमिकली क्रिएट किया और उसे पास भी कर दिया। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, और जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो हमारा कंस्ट्रक्टर फिर से कॉल हो जाएगा, कॉल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और अगर फिर से कॉल हुआ तो ये फंक्शन क्या होगा, फिर से कॉल हो जाएगा, तो एक ऑब्जेक्ट फिर से बन जाएगा। तो ये बार बार से एक तरह से रिकर्शन हो जाएगा जो एरर हो जाएगी, इसीलिए उसको अवॉइड करने के लिए मैं दिस पास कर रहा हूँ, है ना। क्योंकि दिस में क्या है, रेफरेंस है हमारे ऑब्जेक्ट का, हमारी क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है ना। और किसी भी रेफरेंस मतलब एक तरह से आप ऑब्जेक्ट ही समझ लीजिए। तो आई होप कि किस तरह से आपको ये समझ में आया होगा। तो हमने दिस पास कर दिया मतलब अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर दिया। तो एक काम देखिए हमारा हो गया,
अब देखिए, आपको पता होगा कि इंटरफेस का रूल क्या होता है, कि जब भी कोई क्लास किसी भी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट्स करती है तो इंटरफेस में क्या होता है, वेरिएबल का या फंक्शन का डिक्लेरेशन, तो उन फंक्शन को, उन फंक्शन की हमें अपने क्लास में पूरी पूरी डिफिनीशन प्रोवाइड करनी होती है ना। आपको अब यहाँ पर देखिए इंटरफेस का कॉन्सेप्ट आता होगा। तो हमारी क्लास ने, क्योंकि इस क्लास को इम्प्लीमेंट्स किया है, तो इसके अंदर जो फंक्शन होगा, जितने भी फंक्शन का डिक्लेरेशन होगा, उन फंक्शन की हमें डेफिनेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अदरवाइज अगर हम डेफिनेशन प्रोवाइड नहीं करते तो हमारी क्लास क्या हो जाएगी, फिर वो गड़बड़ है। हमें डेफिनेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, अदरवाइज यहाँ पर एक एरर आएगी कि हमने फंक्शन को क्या है, फंक्शन की डेफिनेशन हमने प्रोवाइड नहीं की है, बल्कि हमने एक इंटरफेस को इम्प्लीमेंट्स किया है। तो वहाँ पर एक एरर आएगी कि उस इंटरफेस में जितने फंक्शन है डिक्लेरेशन है, जितने फंक्शन का डिक्लेरेशन है, हमें उन फंक्शन की कोडिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। तो अब बात करते हैं कि इस इंटरफेस के अंदर देखिए सिर्फ एक फंक्शन का डिक्लेरेशन किया गया है, और वो फंक्शन क्या है, वो फंक्शन है ये एक्शन परफॉर्म्ड नाम से फंक्शन बना है ना। अभी आप इसको भूल जाइए, ये जो यहाँ पर आर्गुमेंट्स पास किया गया है, ये एक्शन परफॉर्म नाम का फंक्शन है, कहाँ पर, एक्शन लिसनर इंटरफेस के अंदर। तो इसलिए हमें इस फंक्शन की कोडिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और इस फंक्शन के अंदर हम जो भी कोडिंग करेंगे वो B1 बटन के क्लिक होने पर एग्जीक्यूट होगा। समझ बात आई, जब मैं इस फंक्शन की कोडिंग प्रोवाइड करूँगा, इस फंक्शन की क्या होगी, कुछ बॉडी होगी, कर्ली ब्रेसेस इस तरह से। इस फंक्शन के अंदर मैं जो भी कोड करूंगा वो कोड कब एग्जीक्यूट होगा, जब कोई भी B1 बटन को क्लिक करेगा। तो देखिए यही है इवेंट हैंडलिंग। तो हमें उस फंक्शन की कहाँ कोडिंग, उस फंक्शन की हमें कोडिंग प्रोवाइड करनी, कहाँ प्रोवाइड करनी, अपनी क्लास में। तो मैं कंस्ट्रक्टर के बाहर आता हूँ, देखिए मेन फंक्शन के ऊपर, और ये हमारा क्या है, ये है इंड ऑफ कंस्ट्रक्टर। तो हमें उस फंक्शन की क्या करनी है, अब कोडिंग प्रोवाइड करनी है, डेफिनेशन प्रोवाइड करनी है। तो चलिए उस फंक्शन की कोडिंग प्रोवाइड किस तरह से करेंगे हम, ओके थोड़ा समय यहाँ पर मैं आता हूँ और मैं ये पेस्ट करता हूँ, और ये फंक्शन रहा हमारा, ठीक है। ये फंक्शन है पब्लिक वायर्ड एक्शन परफॉर्म्ड, ये सेम टू सेम फंक्शन का डिक्लेरेशन इसी तरह से किया गया है। तो आप इसके प्रोटोटाइप में ज़रा सा भी चेंज नहीं करेंगे, नहीं तो एरर आ जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, ये इसकी हमें डेफिनेशन प्रोवाइड करनी है। अच्छा, अब एक और बात यहाँ पर आप सुनिए, इसमें जो ये आर्गुमेंट्स पास हुआ है एक्शन इवेंट ई नाम से, ये एक आर्गुमेंट्स पास हो रहा है, तो ये क्या है। तो देखिए जो यहाँ पर ई है, इसके पास हर एक कंपोनेंट का रेफरेंस होता है। कंपोनेंट क्या है, जो हमने यहाँ पर क्या किया है, बटन सेट किया है, तो मैं किसी भी बटन को क्लिक कर रहा हूँ। किस बटन को मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये मैं कैसे पता करूँगा, इस ई का यूज करके मैं पता कर लूँगा कि हमने किस कंपोनेंट को क्लिक किया है। जैसे हमारे, मान लीजिए अभी तो हमारे पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बटन है, मान लीजिए हमारे पास कुछ टेक्स्ट फील्ड होती, पासवर्ड फील्ड होती, टेक्स्ट एरिया होता, है ना, कई सारे कंपोनेंट हमारे इस फ्रेम में सेट होते, तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर ये आर्गुमेंट्स पास होता है, ये जो ई है, इसी का यूज करके हम पता करेंगे कि किस वाले कंपोनेंट के साथ एक्टिविटी परफॉर्म की गई है, किस वाले कंपोनेंट को डिस्टर्ब किया गया है। समझ बात आ रही है। तो यहाँ पर एक्शन इवेंट क्या है, एक्शन इवेंट ई क्या है, जिसके पास हर एक कंपोनेंट का रेफरेंस होता है। तो देखिए व्हाट डज एक्शन इवेंट मीन, क्या है इसका मतलब, देखिए ई इज अ टाइप ऑफ एक्शन इवेंट, इट अलाउज यू टू एक्सेस द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्शन इवेंट, है ना। अच्छा, यहाँ नीचे पढ़िए तो आपको और क्लियर होगा। इन शॉर्ट, एक्शन इवेंट इज अ क्लास आर इवेंट दैट गेट्स कंप्लीट रेफरेंस व्हेन इवेंट विल बी फायर्ड। मतलब कि जब भी हम अपने कंपोनेंट के साथ में कुछ एक्टिविटी करते हैं, जैसे मैंने 5 को क्लिक किया, तो हमने यहाँ पर इवेंट को फायर्ड किया, इवेंट को जनरेट किया है। तो जैसे हमने इस 5 को क्लिक किया, तो इस
इस एक्शन लिसन एक्शन इवेंट जो यहाँ पर ये क्या है क्लास है, इसको क्या होगा पता चल जाएगा, इसके पास कंप्लीट रेफरेंस का मतलब समझ रहे हैं, पूरी जानकारी इस क्लास के पास पहुँच जाएगी। और क्योंकि जब भी मैं कोई एक्शन को जनरेट करता हूँ तो इस क्लास के पास सारी जानकारी सारा रेफरेंस पहुँच जाता है, तो डेफिनेटली मैं इस क्लास का यूज करके पता कर सकता हूँ कि हमने किस वाले कंपोनेंट को क्लिक किया है। समझ बात आई? अब किस तरह से ये करते हैं चलिए उसको भी समझते हैं। तो मैं क्या करता हूँ देखिए, अब यहाँ पर रियल कोडिंग करते हैं। मान लीजिए अगर हमने बटन वन को क्लिक किया तो मैं कैसे चेक करूँगा, इफ़ यहाँ पर हमारी ई है तो ई डॉट गेट सोर्स, ई डॉट गेट सोर्स। गेट सोर्स क्या है, डेफिनेटली एक फंक्शन होगा, कहाँ होगा, इस क्लास के अंदर होगा, है ना। तो हमने लिखा ई डॉट गेट सोर्स इक्वल्स टू बी वन, अगर ऐसा है तो देखिए ये हमने यहाँ पर बना दिया। मतलब अगर आप कोई भी बटन बी वन को क्लिक करेगा तो इस इफ के अंदर जो भी मैं कोड लिखने वाला हूँ वो कोड एग्जीक्यूट होगा। समझ बात आई? हमने लिखा ई डॉट गेट सोर्स, मतलब कि जैसे ही मैं इन बटन में से किसी भी बटन को क्लिक करूँगा तो ई डॉट गेट सोर्स लिखने से क्या हुआ, जिस बटन को मैं क्लिक करूँगा उसका सोर्स, उसका रेफरेंस रिटर्न होगा, और अगर वो बराबर है बी वन के तो ये कोड चलना चाहिए। समझ बात आई है ना। इसी तरह से सेम टू सेम मुझे किसके लिए करना पड़ेगा, इस तरह से ई डॉट गेट सोर्स इक्वल्स टू बी टू, तो यहाँ पर मैं इफ़ के अंदर जो कोड लिखूँगा वो बी टू बटन के क्लिक करने पर चलेगा। इसी तरह से मैं सबके लिए लिखूँ, देखिए हमने लिखा ये बी थ्री के लिए हो गया है ना, फिर ये वाला बी फोर के लिए हो गया। जितना भी हमने इफ़ यहाँ पर लगाया है अगर बी वन बटन को क्लिक किया जाएगा तो इस इफ़ के अंदर का कोड चलेगा, बी टू बटन को क्लिक किया जाएगा तो इस इफ़ के अंदर का कोड चलेगा। क्यों? क्योंकि जब बी टू बटन को क्लिक किया जाएगा ना तो ये वाली कंडीशन ट्रू होगी और कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी, ना तो ये कंडीशन ट्रू होगी ना तो ये कंडीशन ट्रू होगी, तो जिस बटन को क्लिक करेंगे उसी बटन के करस्पॉन्डिंग इफ़ कंडीशन ट्रू होगी तो उसके अंदर लिखा हुआ कोड चलेगा। तो 1, 2, 3, 4 के लिए हो गया। इसी तरह से मुझे करना पड़ेगा किसके लिए, 5 के लिए, फिर उसके बाद देखिए मुझे 6 के लिए करना पड़ेगा, फिर मैं ये पेस्ट कर रहा हूँ वही बार बार से, फिर हो गया ये 7 के लिए, फिर देखिए ये हो गया 8 के लिए, और फिर हो गया ये 9 के लिए, और फिर फाइनली ये किसके लिए होगा, ये नेक्स्ट एक नाम की बटन है हमारे पास नेक्स्ट, ये हो गया। तो हर एक बटन के लिए, तो समझ में आया कि नहीं आपको, हमने क्या किया, जो ये फंक्शन हमने यहाँ पर डिफाइन किया है, बेसिकली ये फंक्शन कहाँ पर है, एक्शन लिसनर इंटरफेस में है, और क्योंकि हमारी क्लास ने एक्शन लिसनर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया है इसलिए उसके अंदर जो इस फंक्शन का डिक्लेरेशन है हमें इसकी कोडिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ये फंक्शन तब तब कॉल होगा जब जब मैं किसी भी बटन को क्लिक करूँगा, और जब भी मैं किसी बटन को क्लिक करूँगा तो जो ये एक्शन इवेंट क्लास है इसके पास क्लिक की गई बटन का रेफरेंस पहुँच जाएगा, और क्योंकि रेफरेंस पहुँच जाएगा तो ई डॉट गेट सोर्स लिखने से हम उस पर्टिकुलर बटन के रेफरेंस की बात कर रहे हैं जिस बटन को हमने क्लिक किया था, और जो रेफरेंस है वो जिस भी बटन के साथ में मैच होगा, बी वन के साथ में, बी टू के साथ में, बी थ्री के साथ में, उसके करस्पॉन्डिंग जो इफ़ के अंदर कोड लिखा होगा वो कोड क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, है ना। तो देखिए हमने किस तरह से यहाँ पर समझाने की कोशिश की है, एंड आई होप कि आपको ये डेफिनेटली ज़रूर समझ में आया होगा। और मैं अपने अगले लेक्चर में, देखिए इस वीडियो की लेंथ ऑलरेडी 20 मिनट से ज़्यादा हो चुकी है, तो मैं अपने अगले पार्ट में इन इफ़ के अंदर क्या कोडिंग करनी है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और वो कोडिंग पार्ट बहुत ही ईजी है। तो अभी अगर आपको ये प्रोग्राम समझ में आया है जितना भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, और देखिए दोस्तों मैं हर एक चीज़ यहाँ पर कवर कर रहा हूँ क्योंकि हमने आपको जावा तो पढ़ाया नहीं है, तो यहाँ पर मैं पूरा बेसिक्स एक्सप्लेन करता हूँ तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है,
लेकिन फिर भी आई होप कि आपको पूरा समझ में आ रहा है। एंड अगर आपको ये वीडियो समझ में आते हैं तो आप इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए एंड शेयर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम लाता हूँ। सो थैंक यू सो मच।